Station. रानी झांसी दियां वारस ये औरतां आम औरतां नहीं, साडे नाल एक बीबी आ जिहड़ी फौजी परिवार नाल संबंध रखदी आ, जिन्हां दे हसबेंड फौज विच हैगे ने ते उह पिछले काफ़ी समय तो एजिटेशन छेड़ रहे ने, बहुत सारा अंदोलन किया वन रैंक वन पेंशन, तो इत्थे भी जिहड़ी भुख हड़ताल है औरतों वास्ते इन्होंने ही शुरू करवाई सी, आपां इन्हां नाल गल करांगे। जी की नाम है तुहाडा? जी मेरा नाम सुदेश गोयत है, वाइफ ऑफ मेजर अजमेर सिंह गोयत। आप इस आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं आंदोलन के बारे में यही कहना चाहूंगी कि हमारा आंदोलन बहुत मजबूती पकड़ चुका है। पंजाब का धन्यवाद करती हूँ, पंजाब के किसान भाइयों का, पंजाब की माताओं बहनों का धन्यवाद करती हूँ, उन्होंने पूरे देश की जनता को जगा दिया। शुरुआत पंजाब ने की जो अन्याय के खिलाफ जो अपने हक की ज्योत जलाई है, उसमें हम जब तक घी डालते रहेंगे, जब तक तीनों काले कानून सरकार रद्द नहीं कर देती। बहुत सारी मैं ये कहूँगी कि माताएं बहनें जागरूक थी पंजाब की, हरियाणा की माताएं बहनें इतनी जागरूक नहीं थी। शुरू के दो चार दिन मैंने देखा कि माताएं बहनें पंजाब की, मैं हरियाणा की तरफ से टिकरी बॉर्डर पे अकेली हरियाणा की महिला होती थी, लेकिन आज हरियाणा की बहनों का धन्यवाद करती हूँ कि वो इतनी जागरूक हो चुकी हैं कि ट्रॉलियाँ भर भर के हर गाँव से बसें भर भर के महिलाएँ आ रही हैं, बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। मैं ये कहूँगी कि 50% महिलाएँ यहाँ आकर अपना सहयोग दे रही हैं, घरों से हलवा बनाकर ट्रालियों में रख रख के हमारी माताएं बहनें यहाँ आकर ये जो लंगर अपने ट्रोलियां लगी हुई इनमें बांट के जा रही है। काले कानून के लिए सरकार को इतना ही कहना चाहूंगी, प्रधानमंत्री जी सरकार बोल रही है माताओं बहनों को घर चले जाना चाहिए। नारी कोमल जरूर है, कमजोर नहीं है, नारी बैलगाड़ी से लेकर ट्रैक्टर हवाई जहाज तक उड़ाती है, तो आपने कैसे सोच लिया कि हमारे भाई बुजुर्ग हम उनको यहाँ सड़कों पे बॉर्डरों पे मरने के लिए छोड़ दें और घरों में जाके हम चैन की नींद सोएं? अगर सरकार को हमारी माताओं बहनों की इतनी चिंता है तो जल्द से जल्द ये तीनों काले कानून रद्द करें, क्योंकि हमें भी सड़कों पे बैठने का शौक नहीं है और मेरे भाइयों के पास भी यहाँ सड़कों पे बैठने का टाइम नहीं है। खेत में उनका काम पड़ा हुआ है, गेहूं में पानी देना है, मजबूरी में आकर हमें सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, मजबूरी में आकर मेरे भाइयों को मेरी बहनों को भूख हड़ताल शुरू करनी पड़ रही है। देश का दुर्भाग्य है जो देश का पेट भरता है, आज उसको अंत्याग करके अपने हक के लिए यहाँ सड़कों पे बैठना पड़ा। प्रधानमंत्री जी जो आप चाल चल रहे हैं ना, पूंजीपतियों के हाथों में देश की बागडोर सौंपना चाहते हैं, हम कृषि को पूंजीपतियों के हाथों में नहीं जाने देंगे। और जो लोग घरों में बैठे हैं जो नौकरी करते हैं, वो सोचते हैं कि ये सिर्फ किसान की लड़ाई है, ये अकेले किसान की लड़ाई नहीं है, आज आपको दिख रहा है कि किसान की लड़ाई है। आने वाले समय में अगर ये काले कानून लागू हो जाते हैं, आने वाले समय में जो आज अगर पूंजीपतियों के हाथों में हमारा कृषि चला गया, जो आटा 30 रुपए किलो वो 100 रुपए किलो मिलेगा, वो हर लोग जो रोटी खाता उसको सबको इसका नुकसान होने वाला है। तो ये जन आंदोलन बन चुका है, देश की जनता जाग चुकी है। जो नहीं जागे हैं 1-2%, मैं उनको कहना चाहूंगी जाग रे किसान का मेरे, जाग के दिखा अपने और पराए को, पहचान के दिखा अपने अधिकार, तुझे खुद लेने हैं, मांगने से मिले नहीं छीन लेने हैं। अगर किसान का हक मांगने से नहीं मिला तो हम छीनना जानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी हमारा आंदोलन लाखों की संख्या में हमारे किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डरों पर डटे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से अनुशासन में एक भी इतना 1 रुपए का अपने देश की शक्ति उसका नुकसान नहीं किया हमने। अगर नुकसान किया तो ये हरियाणा सरकार ने करवाया, रोडों को उखाड़ा गया। पहली बार मैं देख रही हूँ कि आंदोलनकारी रास्ता जाम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली बार पुलिस रास्ता जाम कर रही है। हमारे भाइयों को काटिलो तारों से रोका गया, कभी उनके आगे वासु गैस के गोले छोड़े गए, उन वाटर कैनन से उनके भाइयों के ऊपर कान के पर्दे फाड़ दिए उनके। अरे किसान था, खाली हाथ जा रहा था अपने हक की आवाज, क्योंकि जो दिल्ली में बैठे ना सफेद पोश, पंजाब से उन तक आवाज पहुंच नहीं रही थी, तो पंजाब के भाई चाह रहे थे कि जो संसद में बैठे हैं, जो अंधी बैरी सरकार बन चुकी है, उन तक अपने हकों की आवाज पहुंचाने जा रहा था, और ऐसा व्यवहार किया हमारे अन्नदाता के साथ, उनको रोका रास्ता और आपने दम जोर लगा लिया। खट्टर सरकार, आप मेरे पंजाब के किसानों को नहीं रोक पाए, किसी को भी नहीं रोक सकते आप। किसान जब अपनी पे आएगा तो किसी के काबू में नहीं रहेगा, लेकिन हम ये चाहते हैं कि शांतिपूर्ण ढंग से ये तीनों काले कानून सरकार जल्द से जल्द इनको रद्द करे, क्योंकि हम भी किसान के बच्चे हैं,
जब तक आप रद्द नहीं करेंगे मेरे प्रधानमंत्री जी, हम सड़कों से हटने वाले नहीं हैं। जितनी भी तकलीफें आपने देनी है दे लें, जितना अत्याचार करना है मेरी माताओं बहनों पे किसानों पे करें, जितने हमें टैग देने हैं, हमें तुम खालिस्तानी बुलाते हो, हमें तुम आतंकवादी बुलाते हो, 100-100 रुपए में बिकने वाली माताएं बुलाते हो, धिक्कार है ऐसी सरकार पे, गद्दारी है इस देश की, जो अन्नदाता के ऊपर इल्जाम लगाती है, अन्नदाता को बोलती है कि ये देशद्रोही है। अरे असली देशद्रोही तो ये सड़कों पे बैठे हुए हैं, गद्दारी तो आप लोग करते हो अन्नदाता के साथ, जो पूंजीपतियों के हाथों की कठपुतली बने हुए हैं प्रधानमंत्री जी, जो आप 4-5 पूंजीपतियों के हाथों पे कठपुतली बन के नाच रहे हो ना, आप डरते हो गए, आपकी छप्पनी की छाती जो दिखावा करते थे, आप जैसे कायर प्रधानमंत्री मैंने आज तक नहीं देखे, जो पूरा देश एक 2-3 लोगों के हाथों में सौंपना चाहते हो। हम भी किसान के बच्चे हैं और एक सैनिक की पत्नी हूँ, डटे रहेंगे यहाँ पे हमारी माताओं बहनों के साथ, और कल 18 तारीख है, यहाँ पे पूरी नारी शक्ति यहाँ पे पहुँचेगी और आपको दिखा देगी कि नारी शक्ति कमजोर नहीं है। अगर नारी अपने पे आती है ना तो यमराज से लड़ जाती है। प्रधानमंत्री जी आप क्या चीज हो, जब तक हक नहीं मिलेगा हम यहाँ डटे रहेंगे और एक दिन अपना हक लेकर रहेंगे, लेकर रहेंगे। जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद।